हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास एंड वेलकम यू टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। दोस्तों, हमने मॉडल्स की सीरीज शुरू की है और ये फर्स्ट वीडियो है। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले सीखेंगे मॉडल्स के यूज, जितने भी मॉडल्स हैं उन सभी के यूज और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे इनसे रिलेटेड रूल जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हम मॉडल्स के यूज में एरर ना करें। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैन का यूज, यूज ऑफ कैन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी एंड पावर, इनके लिए कैन का यूज होता है। आप सीधी सी बात समझ लीजिए, जहाँ पे क्षमता, योग्यता या ताकत की बात हो, कोई काम करने की ताकत है या नहीं है, क्षमता है या नहीं है, योग्यता है या नहीं है, तो इनकी बात हो तो हम यूज करते हैं कैन। आप एग्जांपल्स देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला एग्जांपल दिया हुआ है आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यानी मेरे में योग्यता है, इंग्लिश बोलने की क्षमता है, तो हमने यहाँ पे यूज किया है कैन, आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है ही कैन सोल्व दिस पजल, ये जो पजल है, पहेली है, उसको वह सोल्व कर सकता है, यानी उसमें ये सोल्व करने की क्षमता है, योग्यता है, तो हमने यहाँ पे यूज किया कैन। एक और एग्जाम्पल देखिए, सी कैन स्टडी 4 आवर्स टुगेदर, वो 4 घंटे लगातार पढ़ सकती है, यानी उसमें 4 घंटे लगातार पढ़ने की योग्यता है, ताकत है या क्षमता है, तो हम यूज किया है यहाँ पे कैन, वो 4 घंटे लगातार पढ़ सकती है। सी कैन स्टडी 4 आवर्स टुगेदर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कैन लिफ्ट 100 kg, यानी मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है या ताकत है कि मैं 100 किलो वजन उठा सकूँ, तो यहाँ पे हमने कैन का यूज किया है, आई कैन लिफ्ट 100 kg, मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है आई कैन जम्प फ्रॉम दिस बिल्डिंग, मैं इस बिल्डिंग से कूद सकता हूँ, मेरे में इतनी क्षमता है या ताकत है कि मैं इस बिल्डिंग से कूद सकूँ, तो हमने यहाँ पे कैन का यूज किया है, मैं इस बिल्डिंग से कूद सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैन का फर्स्ट यूज। चलिए इसका सेकेंड यूज देखते हैं। कैन का सेकेंड यूज है परमिशन, यानी अनुमति लेने या देने के लिए भी कैन का यूज होता है। देखिए फ्रेंड्स, अनुमति के लिए मे का यूज भी होता है, कुड का यूज भी होता है और कैन का यूज भी होता है। डिफरेंस क्या है वो समझिए, आगे मैं मे, कुड, वुड ये सभी पढ़ाऊंगा, बट कैन का यूज हमें तब करना है जब हम बात करते हैं इनफॉर्मली। देखिए फ्रेंड्स, परमिशन दो तरह से ली जाती है, एक तो फॉर्मल तरीके से, दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल तो तब लेते हैं तब सामने वाला अनजान हो या हम हमसे बड़ा हो, तो हम उससे फॉर्मली बात करते हैं, और अगर हम दोस्तों में बात करते हैं तो हम इनफॉर्मल होते हैं, यानी फ्रेंडली होते हैं, और जब फ्रेंडली परमिशन ली जाए तो हम यूज करते हैं कैन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है कैन आई सिट विद यू। अब यहाँ पे कोई दोस्त बैठा है, अब मैं वहाँ पे बैठना चाह रहा था तो मैंने उससे पूछ लिया मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो ये परमिशन है बट ये फ्रेंडली है, तो हम बोल सकते हैं कैन आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कैन आई सी योर डायरी। अब कोई फ्रेंड है, उसकी डायरी है, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ, कैन आई सी योर डायरी, यानी ये फ्रेंडली है परमिशन, तो इसलिए हमने यहाँ पे कैन का यूज किया है, कैन आई सी योर डायरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो। अब ये परमिशन देने की बात है जो कि फ्रेंडली बात हो रही है कि अब आप जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है यस यू कैन सिट विद मी। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी परमिशन यहाँ पे थी, कैन आई सिट विद यू, क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, फ्रेंड से पूछा था, तो वो क्या कह रहा है, यस यू कैन सिट विद मी, यानी वो परमिशन दे रहा है कि हाँ आप मेरे साथ बैठ सकते हो, तो परमिशन लेने और देने के लिए, लेकिन वो होनी चाहिए इनफॉर्मल, फ्रेंडली होना चाहिए, तो हम यूज करते हैं कैन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे हम देखते हैं कुड का यूज। कुड का यूज भी
कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी और पावर, यानी ताकत, क्षमता, योग्यता, इनको जानने के लिए ही होता है। बट जब इनकी बात हो पास्ट की, कैन का यूज प्रेजेंट में होता है क्षमता और ताकत जानने के लिए, और क्षमता और ताकत की बात अगर पास्ट में हो रही है तो हम यूज करेंगे कुड का। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई कुड राइड बाइसिकल इन फोर्थ स्टैंडर्ड, यानी मैं जब फोर्थ क्लास में था, चौथी क्लास में था, तो मैं जो साइकिल है वो चला सकता था, बाइसिकल राइड कर सकता था। तो अब ये जो बात है वो पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के लिए हम यहाँ पे कैन का यूज ना करके हम यूज करेंगे कुड। और अगर प्रेजेंट की बात हो कि मैं साइकिल चला सकता हूँ, तो प्रेजेंट की बात हो तो हम यूज करेंगे कैन, आई कैन राइड बाइसिकल। बट अगर पास्ट की है, अब यहाँ पे जब मैं फोर्थ क्लास में था, चौथी क्लास में था, तब की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम कैन की जगह यूज करेंगे कुड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड लिफ्ट बाइक, जब मैं जवान था तो मैं बाइक उठा सकता था। तो अब यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, जब मैं जवान था, तो पास्ट के लिए हम कैन का यूज ना करके हम यूज करेंगे कुड का। अब यहाँ ताकत की बात हो रही है लेकिन पास्ट की है तो हमने कुड का यूज किया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी सेड दैट शी कुड हेल्प मी दैट टाइम, उसने कहा कि वो मेरी उस समय मदद कर सकती थी। अब यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि पास्ट की बात है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सी सेड, यहाँ पे सेड सेकंड फॉर्म यानी पास्ट की बात हो रही है, उसने कहा था, तो यहाँ पे कैन की जगह हम यूज करेंगे कुड, शी कुड हेल्प मी दैट टाइम। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, माई सन कुड रीड इंग्लिश न्यूज पेपर वेन ही वॉज 6 ईयर्स ओल्ड, जब मेरा बेटा 6 साल का था तो वो इंग्लिश न्यूज पेपर पढ़ सकता था। अब यहाँ पे ही वॉज 6 ईयर्स ओल्ड पास्ट की बात है, तो जब पास्ट की बात है तो हम कैन की जगह यूज करेंगे कुड, माय सन कुड रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर व्हेन ही वॉज 6 ईयर्स ओल्ड। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुड का नेक्स्ट यूज देखते हैं। कुड का नेक्स्ट यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन। अभी मैंने बताया था कि परमिशन के लिए कुड का यूज भी होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट भी होता है। अगर हम सामने वाले से कोई परमिशन ले रहे हैं और अगर पोलाइटली ले रहे हैं तो हम यूज करते हैं कुड, और अगर इनफॉर्मली या फ्रेंडली कोई परमिशन लेते हैं तो हम यूज करते हैं कैन। चलिए एग्जाम्पल देखिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुड आई टेक योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ। अब यहाँ पे जो अगर हम किसी से कोई चीज मांग रहे हैं तो पोलाइटली मांगेंगे, तो पोलाइटली मांगने के लिए हम यूज करते हैं कुड, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट जो करने के लिए हम यूज करते हैं कुड। अगर यहाँ पे कैन आई टेक योर बाइक, तो ये हो गया फ्रेंडली। अब सामने वाला दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, क्योंकि आपने जो बाइक मांगी है वो मांगी इस तरीके से है। बट अगर आप कुड का यूज करेंगे तो कुड में इतनी ज़्यादा पोलाइटनेस होती है कि सामने वाले को देनी ही पड़ेगी, वो मना भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपने मांगा बहुत ही पोलाइटली है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए हमने यूज किया है कुड। अगर यहाँ पे प्लीज ना भी लगाते तो भी ये पोलाइट ही होता, बट यहाँ पे प्लीज का यूज करके हमने और ज्यादा पोलाइट बना दिया, कुड यू हेल्प मी प्लीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कुड आई टॉक टू मिस्टर समीर, क्या मैं मिस्टर समीर से बात कर सकता हूँ। अब किसी की कॉल आई है और कॉल पे कह रहा है कि क्या मैं मिस्टर समीर से बात कर सकता हूँ, तो यहाँ पे जो कुड है वो पोलाइटनेस शो कर रहा है, या ये परमिशन ले रहा है कि क्या मैं समीर से बात कर सकता हूँ, बट इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट है। चलिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, कुड आई हैव योर नोटबुक, क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ। तो हैव का यूज भी लेने के लिए ही होता है, टेक की तरह ही। कुड आई हैव योर नोटबुक, क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ, तो ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ परमिशन ले रहा है, उससे नोटबुक मांग रहा है, तो हमने यहाँ पे यूज किया है कुड। और अगर फ्रेंडली बात करें तो हम कैन का यूज भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनमें आपको बताना है हम कैन का यूज करें या कुड का यूज करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इनके सेंस के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, सुनील फिर ब्लैंक है, बोरो माई कार इफ ही आस्ट।
अगर वो मुझसे पूछता, इफ ही आस्ड, अगर वो मुझसे कहता तो सुनील मेरी कार है वो उधार ले सकता था। अब देखिए फ्रेंड्स, इफ से यहाँ पे दो सेंटेंस है, अब इफ के बाद जो सेंटेंस है आस्ट, ये पास्ट में है, सेकंड फॉर्म है, तो बात हो रही है पास्ट की, तो यहाँ पे कैन का यूज ना करके हम यहाँ पे यूज करेंगे कुड। सुनील कुड बोरो माई कार इफ ही आस्ट। अब ये क्वेश्चन मैंने कल कम्युनिटी टैब में भी पूछा था, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसका रॉन्ग आंसर दिया था, यहाँ पे किसी ने भी कुड नहीं बताया, बहुत कम स्टूडेंट थे जिन्होंने यहाँ पे कुड का यूज किया था। बट मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, इफ के जो इफ क्लॉज है उसमें अगर सेकंड फॉर्म है, तो जो सेकंड क्लॉज होती है उसमें हम जो पास्ट में यूज होता है मॉडल्स उन्हीं का यूज करेंगे, जैसे कुड वुड माइट, इस तरह जो मॉडल्स हैं इनका ही यूज हो सकता है, विल सेल कैन में इनका यूज नहीं हो सकता। अगर इनका यूज होगा तो आस्ट की जगह फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, अगर इधर प्रेजेंट टेंस है तो हम विल सेल कैन में इनका यूज कर सकते हैं, बट अगर पास्ट है तो इधर भी पास्ट का ही मॉडल का यूज होगा, जो कि यहाँ पे हम यूज करेंगे कुड। बाकी जो वुड है, शुड है या और बाकी मॉडल्स है वो हम बाद में सीखेंगे, तो अभी हमने कुड सीखा है, तो यहाँ पे सुनील के बाद हम कुड का यूज करेंगे। सुनील कुड बोरो माई कार इफ ही आस्क्ड, अगर वो मुझसे मांगता तो वो मेरी कार उधार ले सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू फिर ब्लैंक है, गेट ए बेटर जॉब इफ यू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलो तो आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। अब देखिए फ्रेंड, जो यहाँ पे इफ है तो इफ वाला सेंटेंस इसमें स्पीक फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, तो यहाँ पे कुड का यूज ना करके हम यहाँ पे यूज करेंगे कैन, तो इसका सेंटेंस बनेगा यू कैन गेट ए बेटर जॉब, तुम एक अच्छी जॉब पा सकते हो इफ यू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा वॉज द ओनली वन हु फिर ब्लैंक है अंडरस्टैंड मी, तो नेहा वॉज पास्ट की बात है, तो जब पास्ट की बात है तो यहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे, नेहा ही केवल वो अकेली थी जो कि मुझको समझ सकती थी, तो यहाँ पे अगर ये सेंटेंस है इसमें पास्ट है तो यहाँ पे भी हम पास्ट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे कुड का यूज होगा, नेहा वॉज द ओनली वन हु कुड अंडरस्टैंड मी, होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर फिर ब्लैंक है, यू टीच मी दिस लेसन, अब हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो कैन का यूज या कुड का यूज, बाकी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स कैन का यूज यहाँ पे परमिशन की बात हो रही है, क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, परमिशन की बात है, तो अगर हम कैन का यूज करें तो कैन का यूज होता है फ्रेंडली परमिशन लेने के लिए, इनफॉर्मल, बट यहाँ पे ये जो वर्ड है सर ये फॉर्मल वर्ड होता है, तो जब फॉर्मली हम परमिशन लेते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ लेंगे, तो यहाँ पे कैन की जगह हम यूज करेंगे कुड, सर कुड यू टीच मी दिस लेसन, क्या आप ये लेसन मुझे पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कुड, कैन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि कैन हम फ्रेंडली यूज करते हैं परमिशन के लिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द स्विमिंग पूल बिकॉज ही फिर ब्लैंक है स्विम, तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहता बिकॉज, क्योंकि ही फिर ब्लैंक है स्विम, तो यहाँ पे कैन का यूज करें या कुड का, देखिए फ्रेंड्स प्रेजेंट की बात हो रही है, वह नहीं जाना चाहता क्योंकि वो तैर नहीं सकता, तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कैन, अगर कुड का यूज करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, वो स्विमिंग पूल नहीं जाना चाहता क्योंकि वो तैर नहीं सकता था, ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द स्विमिंग पूल बिकॉज ही कैन नॉट स्विम, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नॉट का यूज भी होगा, सेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, अगर केवल कैन लगा देंगे तो सेंटेंस का जो सेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा कि वो स्विमिंग पूल नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे तैरना आता है, ये तो सेंस बिल्कुल रॉन्ग है, तो यहाँ पे कैन का यूज ना करके कैन नॉट का यूज करेंगे, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द स्विमिंग पूल बिकॉज ही कैन नॉट स्विम, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इफ निकिता वॉन्ट्स टू गो सी फिर ब्लैंक है गो, अगर निकिता जाना चाहती है
तो वो जा सकती थी या जा सकती है, तो सेंस के अकॉर्डिंग सही होगा जा सकती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, इफ के साथ वॉन्ट्स प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे ना कि कुड का। तो सी कैन गो, इफ निकिता वॉन्ट्स टू गो सी कैन गो। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।